नमस्कार नमस्कार। आज विघ्नहर्ता आर्ट कैंप में जो लोग पधारे हैं इस समापन समारोह में, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस समापन समारोह के मुख्य अतिथि हैं रंगेश्री किशोरी, डॉक्टर रंगेश्री किशोरी जी, और साथ ही हैं गुरु शिवजी संतोष जी। बहुत ही दोनों विद्वान वक्ता होने के साथ साथ कला के क्षेत्र में भी दोनों ने बहुत ही कार्य किया है। रंगश्री जी ने रीजनल लाइब्रेरी रीजनल डायरेक्टर होने के साथ साथ स्थापक निदेशक भी रहे हैं अशोका यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के, और क्रिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी सर्विस में हेल्थ क्षेत्र में भी, मेंटल हेल्थ क्षेत्र में खास करके उन्होंने बहुत ही काम किया है और उनकी सेवाएं बहुत अहम तरीके से प्रदान की है, और उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उनको कर्मवीर अवार्ड, लर्निंग टाइम्स इनोवेटिव इंफॉर्मेशन सर्विस अवार्ड टाइम्स न्यूयॉर्क यूएसए की तरफ से मिला है। साथ ही और भी बहुत सारे अवार्ड जैसे कि विनर लर्निंग टाइम्स इनोवेटिव इंफॉर्मेशन अवार्ड के साथ साथ उनको बहुत सारे हेल्थ सेक्टर के लाइब्रेरी के अवार्ड्स मिले हैं। तो ऐसे मैं ज्ञानी डॉक्टर रंगश्री किशोरी जी का इस समापन समारोह में स्वागत करता हूं, और साथ ही हमारे साथ जो गुरु शिवजी संतोष जी जुड़े हैं, उनका तो काम ही 17 साल की उम्र से उन्होंने जो कार्य किया है कला के क्षेत्र में और कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो प्रदान किया, और खास करके संत की भूमिका में रहते हुए उन्होंने कला के साधना के स्वरूप को जो बहुत ही नजदीकी से जाना है। तो मैं ऐसे ही ज्ञानी और बहुत ही जो अपने नेचुरल कलर्स में काम करते हुए आपने बहुत सारी सृजनात्मक कृतियां की है, और आपकी जो खास करके आपका ज्ञान जो है वो प्रकृति के साथ रहकर कला कर्म करने का है, उसके लिए मैं आपका इस विघ्नहर्ता आर्ट कैंप के समापन समारोह में एक क्यूरेटर होने के नाते से आपका स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे जो स्पॉन्सर्स है अजीत राव जी, उनका स्वागत करता हूं, और साथ ही हमारे आयोजक सदैव जो हंसते रहते हैं और हमें प्रेरणा देते रहते हैं ऐसे अनिल जी का मैं स्वागत करता हूं, साथ ही मेरे सारे 15 कलाकार साथियों का जो इन 10 दिनों से हम लोग साथ में जुड़े थे और रोज विघ्नहर्ता की पूजा करते थे, कला साधना की तरफ उनको एक विघ्नहर्ता के स्वरूप को साधने का प्रयास करते थे अपनी कला की शक्ति से, सृजनात्मक शक्ति से। तो उन सारे कलाकारों का मैं इन समापन समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज समापन समारोह में सबसे पहले मैं अपना व्याख्यान देने के लिए गुरु शिवजी संतोष जी से विनती करता हूं कि हमें इस अवसर पर कुछ आशीर्वचन प्रदान कर इस मौके को, इस कैंप को सार्थकता प्रदान करें। नमस्ते। एंड फर्स्टली वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नम पुरुमेदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो ही इज द वन सुप्रीम एनर्जी हु एलिमिनेट ऑल द स्ट्रगल्स एंड ऑब्स्टेकल्स ऑफ लाइफ एंड गिव द वे टू यू नो सक्सेस। यू नो पीपल ऑलवेज थिंक विल गॉड मेक एवरीथिंग फॉर अस, एंड it is God's principle that God will give the way for you, and it is up to you to use your intelligence, the sense, to make your way of success. So that is how our life is, the mechanism is designed. And this is a great pleasure for me being once again associated in this wonderful event. What is organized by Anilji is such a wonderful human, and the ideas behind you know this wonderful concepts, he always the earlier event Sankat Mochan and here Vignaharta, all these are wonderful concepts, because inculcating the
Indian heritage, because right from the history, art is the first form of communication with the, you know, the between the people. Before the prehistoric painting, right from the prehistoric painting era till now, we have lots of you know, Charcoal Age, Mesolithic Age, and the Gupta periods of painting, Ajanta paintings are there, Gandhara school of paintings, so many styles we are following. And but basically, before man could speak or understand the sound, form of sound into languages, the art was the first mode of communication he ever could, you know, connect his people around him. Whatever he saw, he used to scribble in the cave stones and he showed the people. That is how, even now, the art, for the archaeological department, the literature evidence are in the later stages only. Only the artific evidence stand as a, you know, very strong possibility to understand how the mankind has evaluated during the, in the course of periods. So with that, could understand the shape of India recently given to our landscape. The ancient period, the Bharatakanda, there is a clear description how to understand our location, like GPS. They have given a description in the slokas, Bharatakanda, Uttarayana, Meruho. So many words which makes us to understand where we live, and the geographical identity, where from where we are saying that slokas. So this this makes us to understand the culture, the knowledge, and what kind of you know, the spiritual life they had, or the society and relationship. There are so many cave arts in India, out of which after the research, they have come to a conclusion. The most of the cave arts are related to the you know, the spiritual travel, the belief, the faith, that may be connected to Buddhism, Jainism, Hinduism. The most of the things are related to the supreme faith, because man always had a clear understanding how he has to connect with the cosmic energy. So he always had a conscious to you know, put continuous effort to make himself to connect with the supreme energy. Again, why I'm telling this point very clearly here is always every color. Kishoriji will know much better about this, because she is dealing with the psychological understanding. Colors will always play a very strong role in people's emotion, feelings, and the behavior. So these colors will always have a strong impact. You know, making nowadays, calling the children and making them to sit near me, I will tell the story of how Bhagwan Shiv, you know, gave energy to the Ganpati Papa. What is the ability of Ganapati Papa? Children don't have time, but when you put in the capsule, like art competition, see the sequence of life of Ganapati, how he has evaluated his, you know, the understanding, how he has shown people the good ways. So now children have, you know, no other option other than reading the stories, other than doing the painting. So when the episodes of the life, that is how the last event was successful, even Nanaji, what he did was, he made every Hanuman Chalisa. Everyone to understand Hanuman Chalisa. Because just by reading, we can't understand what is the meaning. We have to go deeper into that. As an artist, we always appreciate doing that. Even in the traditional art form, we used to call it as Dhyana Shloka. In that Ganapati Dhyana Shloka, Shuklam Bharataram, Shashi Varnam. Shashi means that's color. In all the shlokas, the depiction of God is clearly narrated, including the color, how he looks. All the Sahasranamas, they will say how the appearance looks, how the skin tone, how the eyes, how the nose looks. Like that, if we take extract from all the lines, and we used to do the paintings in the temples, in the puja rooms, whatever we want to make, all the Indian traditional subjects, we take the evidence and the citations from the shlokas, and we match the painting with that, whatever they have said. So like which, children have to you know, go through this episode, they understand. By this is the indirect mode what Anilji has created, and the sponsors who are willingly nowadays, many people don't focus on the you know, healthy part of life. They need more business. They are putting on the glamour path. They are investing more. They are promoting more. But people, good hearted people like Ajit Rawji, you know, taking up this serious idea to support the social cause. And the healthy mental health, this is definitely a form of mental health. So he has invested in people. He has invested in people's heart. So definitely this good blessings will be always there in his life for
so many people have got closely with the understanding of Ganapati Bappa, how the the journey of him formed. So this is a wonderful occasion. I really bless everyone, and I pray for all the artists, because any art form which is not recognized will die after a period of time. So it is our moral responsibility always to appreciate our fellow artists, to encourage them and to give opportunities for them. So Anilji is doing this continuously. It is not easy to conduct a show and to gather everyone at a point and take up the huge effort. This is happening successfully because of the good true feeling from the bottom of the heart. So I really wish everyone on the screen, behind the screen, whoever have worked for it, I wish them all the very best and my blessings for them. And once again, I thank you for the wonderful introduction you have given upon me. Considering the time factor, I wish to say more, but understanding the time factors, I limit my address here. And I welcome all in the show and bless everyone. Happy life further. Wishing you all the best. Namaste. बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद. और आज हमारे साथ ऐसी ही बहुत गहराई से सोचने वाली डॉक्टर रंगेश श्री किशोरी जी हैं. मैं और उनको आमंत्रित करने से पहले एक और छोटी सी बात कहूं कि दार्शनिकों और कलाकारों और मनोवैज्ञानिकों में से किसी एक की बातों को ही तथ्य रूप में स्वीकार करना एकांगी होगा. इसलिए हम लोग अलग अलग मतों पर समग्रता से विचार करके ही सर्जन की प्रक्रिया पर ठोस धारणा बना सकते हैं कि ये प्रक्रिया है क्या. मैं और विगत रूप से आगे आपके सामने आऊंगा और उसकी बारीकियों पर जाऊंगा कि ठोस धारणा तभी बनती है जब वर्तमान में सर्जन प्रक्रिया के वर्णन विश्लेषण के लिए सृजनात्मक नाम से एक अलग शास्त्र विकसित किया गया है. उसे अंग्रेजी में साइनेटिक्स कहते हैं. साइनेटिक्स ने सौंदर्य के अध्ययन में आज युगांतरकारी पहल की है. तो ऐसी मैं बातें करने के लिए, बहुत अलग अलग पहलुओं में बातें करने के लिए, खास करके मनोविज्ञान के और मानसिक क्षेत्र में रंगश्री किशोरी जी ने बहुत काम किया है और उनकी सेवाओं को परिलक्षित करते हुए बहुत सारे उनको इनाम इकराम भी मिले हैं. तो मैं स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन विघ्न हर्ता आर्ट कैंप में के समारोह समापन अवसर पे आप कुछ प्रकाश डालें और फिर बाद में हम अलग अलग कलाकारों के मत मतांतर देखेंगे, उनके अनुभव देखेंगे. मैं आमंत्रित करता हूँ रंगश्री किशोरी जी को अपने वक्तव्य के लिए. धन्यवाद धन्यवाद. इट इज अ वेरी ग्रेट प्लेजर टू बी, इट्स माय ऑनर टू बी प्रेजेंट एंड इनवाइटेड फॉर दिस इवेंट. सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं. आई वुड लाइक टू, आई हैव been working in the field of mental health for the last 35 years, having set up halfway homes and for care and management of schizophrenia patients. I realized that having have a first-hand experience of having lived with a person who has been suffering in the family, that what works for a person is creativity. Creativity helps in helping people to recover or improve. You cannot cure them, but at least you can give them an opportunity to recover or improve. So this is what, with the help of Anilji, I mobilized this, all the rehab centers that I am connected with, to engage their residential patients to come up and do some art and share with the people here. And that's what we are doing on World Mental Health Day. We will be rewarding them along with Anilji, whatever he suggests, however he wants to carry on. But all the reports I've been sharing with him. In the meantime, I would also like to share my experience of Vignaharta, that Ganesha ji. My brother was in a hospital for many years in rehab. And in the fag end of his journey of in this world, last stages, he was in a ICU. And the doctors called me and said, he's critical, please come. And I was in
Bangalore and I had to rush to Madurai. I took a cab and rushed to Madurai, but and all the way through that long journey, I was praying to Ganesha and I said, it's been 30 years and I'm not able to see any improvement in his condition beyond a point. And he is not living happy and none of us are able to look after him. Please come and help and take care of him. And minutes after that, I heard from the hospital that Dr. Ganesh is taking care of him. His name was Dr. Ganesh. And I reached there, the hospital, but there was no improvement. He had, by the time he had gone into coma and he left the world in peace. And this is what I was asking God, you take care of him. And there Ganesh was there taking care of him. Soon after that, I was very emotionally, because connected with him for a year, I was very sad. Then I wanted to make a film on his life so that he, it's an example or people get motivated to work for such people in the, not desert their individuals who are suffering like this, but be there to support them in every way as a family member. Because I have seen mothers deserting their children in such cases. So this is also a learning for me. I wanted to share that you don't have to, you know, be so crude that one phone call can make a difference to this person who is living in a rehab or a hospital. So then I was trying to look for somebody who could make a film on him. I tried so many places, but nobody was ready. Then one fine day, as I was working in Kriya University Library, we had a media center in the university. So one boy from media center came up and said, ma'am, I heard you are looking for making some film. I can be of help. So I didn't know this person. I asked, what is your name? He said, my name is Vinayak. So I realized, there he is. He has come to help me. And truly, he made a beautiful film, which I have shared with Anilji, a life history with all his photographs and events of his life. Then I went to his rehab to film his life in some parts. The doctor there said, all his stuff is here, like lying here. Do you want to check? You want to give away what you want to do? The first bag that I open, I see a Ganesha idol there, right on top. I didn't know he was religious, or I didn't know how, you know, he lived in, whether he was allowed to pray or whether he had all those. But there was a Ganesha idol as I opened. So I became very real. I was very happy that somewhere God has come to rescue him from this world of misery that he went through all his life. I hope he's here around looking at all of us and being happy that I'm sharing this experience with all of you. And it gives me immense pleasure that Anilji has come in support to carry forward his memory. And thanks once again to all of you for giving me this opportunity. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद रंगश्री जी. आप अब अपने कलाकार मित्रों को, साथी मित्रों को अपने अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूँ. सबसे पहले रमेश भोसले जी को कि वो अपनी बात, अपना अनुभव इस प्रक्रिया के दौरान शेयर करें. मैंने जो आपने इस कैम में मुझे अनिल जी, अजीत जी और कोनू भाई ने जो चांस दिया, उसके लिए पहला उनको मैं मेरे तरफ से शुक्रगुजार हूँ. दूसरी बात ये कि गणेश जी का जो पेंटिंग मैंने इस टाइम किया, तो कोनू भाई बोले कि पहला जो दिमाग में था और बाद में अलग हो जाता है, वैसा ही सेम हुआ. मैंने जो पहले स्टार्ट में सोचा था कि थोड़ा मैं अंतराल में गणेश जी को लेने जाने वाला था, अवकाश में दिखाने वाला था, लेकिन बाद में फिर मैंने सोचा कि उससे अच्छा अपना, मैं हमेशा जो ट्रेडिशनल काम करता हूँ उसी स्टाइल में काम करने से ज्यादा बेहतर होगा, और उसी टाइम से उसी प्रकार से मैंने काम किया है. मैंने शारदा गणेश जी किए है. ऐसे गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि भी होती है,
कभी गणेश जी के साथ शारदा भी होती है, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट पे काम गणेश जी के साथ मैंने किया है, म्यूरल्स भी बहुत बड़े बड़े किए हैं मैंने, मेरे पूरी गणेश की फैमिली भी, फैमिली का भी पूरा म्यूरल्स बनाया है। तो इसे अलग अलग ढंग से काम करते वक्त टाइम पीरियड का भी थोड़ा सोचना पड़ता है, इसलिए मैंने इस टाइम शारदा गणेश जी का चित्रण किया। इधर शारदा गणेश जी का चित्रण करते वक्त हमारे पुणे में गणेश फेस्टिवल आपको पता है कि सबसे ज्यादा बहुत बड़े पैमाने में किया जाता है। तो मेरे बचपन में जब फाइन आर्ट कॉलेज में या स्कूल में था, तब हमारे यहाँ गणेश फेस्टिवल में गणेश दर्शन करने के लिए घूमते थे रात में। तो हमारा पुणे में जो एक फेमस दो गणेश जी है, उसमें एक दगुड़ीशेठ हलवाई का गणेश जी है और दूसरा एक अखिल मंडई मंडल का एक गणेश है। तो वो अखिल मंडई मंडल का जो गणेश है उसमें शारदा गणेश जी का मूर्ति हमेशा प्रस्थापित होती है, हमेशा वही उसको सुशोभित करके अलग अलग ढंग से डेकोरेट करके बिठाते हैं। तो बचपन से मेरे दिमाग में था शारदा, तो शारदा गणेश जी थे वही मेरे दिमाग में बचपन से थे। तो उसमें अभी इस टाइम भी वही किया है। जो काम करते वक्त उसमें मैंने पूरा डेकोरेटिव या स्टाइल जो होता है उसी में काम करने की कोशिश की है। कलर स्कीम भी सब मेरे पेंटिंग में कलर स्कीम जो होती है 99% ब्राइट कलर्स वार्म कलर्स में यूज करता हूँ, तो उसी तरह से मैं करके मैंने आपके सामने रखा है। आपको शायद पसंद आएगा ऐसा मुझे लगता है। बस यही मैं अनुभाई जी से और सभी दोस्तों से आर्टिस्ट मित्रों से प्रार्थना करता हूँ, बात कम करता हूँ। बहुत अच्छा रमेश जी, मैंने तो बहुत सारा काम आपका गणेश जी के ऊपर देखा है, आपने इतने माध्यमों में और इतने वैरायटी रूपों में और इतनी वैरायटी स्टाइल्स में आपने गणेश जी के ऊपर काम किया है। आप अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूँ विजय ढोरे जी को। विजय ढोरे जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने अनुभव साझा करें। सभी को नमस्कार और सादर प्रणाम। और सबसे पहले मैं एक माफी चाहूंगा, क्योंकि जिस दिन से ये इवेंट चालू हुआ है, कनु सर को मैंने शेयर भी किया था, जिस दिन मुझे अनिल सर का 2:40 पे फोन आया कि आपको इस कैंप में जोड़ा जा रहा है, उसी दिन मुझे 3:30 मेरे स्थानांतरण का कागज मेरे हाथ में आया कि आपको तत्काल आगरा पदस्थ किया जाता है और आप तत्काल यहाँ से 4:00 रिलीव होइए। अब मुझे था कि मैंने इस इवेंट को एक्सेप्ट तो किया है, मगर उस बीच मुझे जाना ट्रैवलिंग करना थोड़ा सा स्ट्रेच रहा, मगर मैंने एक ठानी थी कि मुझे ये काम करना है। मुझे जो विषय दिया है, चाहे वो विषय पे मैं अभी तक पूरी तरह होमवर्क नहीं कर पा रहा था, मगर मेरे पास जो एक इमेज थी मैंने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है और उसी दौरान ये कलाकृति निर्मित हुई है। और एक बात से जरिए कि किसने भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, जब कलाकृति निर्मित करने पड़ते हैं तो परेशानियों को अलग रखना पड़ता है, नहीं तो वो कलाकृति बनने नहीं देती और ना ही वो कलर ब्रश पे लगता है और ना ही वो कलर कैनवास पे जाने की अपनी चेष्टा करता है। तो एक अच्छा प्रयास रहा और सारे कलाकारों के मैंने जितने भी रहे, कन्नू सर रहे या बाकी होदले जी रहे, इनके सबके मैंने ओरिजिनल भी कलाकृति देखी है, मगर मेरा पहला गणपति का एक रूप देखा है। पहले मैं बहुत करा करता था, बाद में समय अनुसार स्टाइल बहुत चेंज करते रहे और अपनी अलग शैली के डेवलप के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहा। और मुझे एक बहुत आत्मा आनंद आया यह कि मुझे करने का बहुत जो मेरी उत्सुकता थी मैं उसको कर सका कुछ हद तक। तो बहुत बहुत शुक्रिया और सभी कलाकारों की कृतियां देखते रहे। हर समय मैं सुमित रायलावत जी या इनसे संपर्क में रहता था कि अब मैं इतना है, फिर नहीं नहीं विजय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अभी भी उसी परिस्थिति से बाहर नहीं और आगरा में बैठा हूँ मैं अभी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बीच में कुछ कुछ मैंने वीडियोस भी नहीं अपलोड कर पाया क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं थे और मेरे पास पेंटिंग मेरी हैदराबाद में थी और मैं आगरा में था,
तो इसी दौरान जो कृति की निर्मिति हुई है वो स्वीकार करें और आयोजक और सभी वरिष्ठ कलाकारों को मेरा सादर प्रणाम, धन्यवाद। नमस्कार विजय ढोरे जी, आपने बहुत अच्छी तरह से बात की। विजय जी, तो मैं अब आमंत्रित करता हूँ सुमित्रा जी को, सुमित्रा अहलावत जी को, कि वो अपने संक्षिप्त में अपने अनुभव साझा करें। आप सभी को मेरा नमस्ते। अनिल जी, अजय जी और कनु जी और मेरे सभी सीनियर साथी कलाकार, आप सबको मैं सबसे पहले तो नमस्ते करती हूँ। मैंने अपने आप को सबसे जूनियर में मानती हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा ये कला का सफर है। मैं अभी 2 साल से इस क्षेत्र में दोबारा से मैं जुड़ी हूँ, 28-29 साल के बाद, तो उस लिहाज से तो आप सभी मेरे सीनियर हैं और मैं आप सबसे जूनियर। ये बात और है कि हम जो कला, जो अभी विघ्नहर्ता का जो ये एक सब्जेक्ट दिया है अनिल जी ने, इसमें सबसे बड़ा मेरे को जो पॉजिटिव पॉइंट नजर आया कि उससे कुछ दिन पहले मेरी तबीयत इतनी खराब, क्योंकि मुंबई वगैरह गई थी एक दो जगह और औरंगाबाद वगैरह होके आई, तो हालत नहीं हो रही थी। अच्छा, मैं काम बैठ के काम मेरे से होता नहीं है, मैं इजल पर खड़े होकर ही काम करती हूँ, तो ताकत तो है इन चीजों में, ये तो मानने वाली बात है। जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं, आध्यात्मिक सब्जेक्ट हैं, यकीनन उनमें बहुत बड़ी ताकत है। नमस्कार सुमित्रा जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को प्रस्तुत किया। मैं अब विनती करता हूँ विनय जी से कि वो अपने अनुभव कुछ साझा करें। विनय जी। नमस्कार, मैं विनय जोशी हूँ पुणे से। मैं एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ कि संकट मोचन में भी मैं था और इसमें भी था, विघ्नहर्ता में। जिस दिन संकट मोचन का कैंप शुरू हुआ उसी दिन मेरा कोविड पॉजिटिव आया, तो 8 दिन तो मेरे कैंप के वैसे ही गए, मगर मुझे थी कल्पना कि मैं इससे बाहर आ जाऊंगा। फिर कैंप खत्म हुआ, बाद में थोड़े मेरे कॉम्प्लिकेशंस हुए, हार्ट या लंग्स पे थोड़ा पैचेस आए थे, मगर कल मैं जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज क्लियर, नो वरीज। तो मुझे समझ में आया कि विघ्नहर्ता और संकट मोचन, इसमें दोनों में क्या मुझे सहने को मिला, और मैं आज विघ्नहर्ता का कैंप खत्म हो रहा है और कल मुझे ये विघ्न से मुक्ति मिली, तो ये बहुत बड़ा अनुभव है मेरे लिए। तो विघ्न, इसीलिए मैंने मेरा गणपति का नाम वरद लिखा था, वरद विनायक, कि मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इससे बाहर आ जाऊँ, और मैं सचमुच इससे बाहर आ गया। और सभी कलाकारों का आशीर्वाद तो है ही, और सब लोगों का काम देख के मुझे बहुत आनंद हुआ, और मैं भी छोटा कलाकार हूँ मगर इनमें शामिल हो गया हूँ, तो बहुत धन्यवाद और सबका आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। मैं अब आमंत्रित करता हूँ कुंडलिया हिरेमत जी को कि वो अपनी अनुभूति हमारे साथ साझा करें। सभी को नमस्कार। नमस्कार। मेरा जो विषय है गजपति, इस विषय पर मैंने पेंटिंग किया है। तो जो गज का मुखिया रहता है, इस प्रकार उसका मैंने अर्थ निकाला है, जो मैंने अर्थ खोजा है, तो उसी प्रकार मैंने मुझे जो लगा उस प्रकार करने का मैं कोशिश किया है पूरा। तो जो गज जो है वो निसर्ग में है और उनका जो मुखिया है गजपति, तो उसको मैं बीच में बिठाया हूँ। तो इस प्रकार इस विषय को मैं एक उसको एक अच्छा तरह निभाने का एक कोशिश किया हूँ, तो मुझे इसमें बहुत आनंद ही मिला। और करते समय जो मैंने प्लान किया था उस प्रकार करते गया और उसी प्रकार कुछ चेंजेस हुए, लेकिन वो सब मुझे अच्छा लगे। तो मुझे इस कैंप में शामिल किया गया और मैं अनिल केजरीवाल जी, अजय जी और कन्नू पटेल जी, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
और सभी कलाकारों को भी मैं शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। अब मैं अनिल कामले जी से विनती करूंगा कि वो अपने अनुभव, क्योंकि वो विदेश में रहते हुए भी वो गणपति को सार्थक करते हैं, तो उनकी अनुभूति कैसी रही, तो अनिल कामले जी से मैं विनती करता हूँ कि वो अपने विचार प्रस्तुत करें। अनिल कामले जी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं बहुत आभारी हूँ अनिल जी का और आप सभी लोगों का कि जो मैं इस कैंप में जुड़ा रहा आप सभी लोगों के साथ, सभी बहुत ही बढ़िया उमदा कलाकारों के साथ। और कनु जी ने मुझे उस दिन व्हाट्सएप पे मुझे विषय दिया कि सिद्धिविनायक, तो मैंने उसका हम लोगों को, क्योंकि मैं भी पुणे से हूँ तो हमको बहुत थोड़ी बहुत जानकारी है गणेश जी के बारे में, तो मैंने उसमें थोड़ा देखा कि इन्होंने इस मेरे विषय में जो मैंने चित्रित किया है वो यह है कि जो दो असुर निकलते हैं विष्णु जी के कान से, कान के मल से, तो उनको गणेश जी कैसे उनको उनका विनाश करते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैंने दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे। उसमें कुछ फोर्स है, फोर्स मतलब जो विनाश करने का जो प्रक्रिया, वो फोर्स के माध्यम से मैंने दिखाने की कोशिश की। और नीचे जो पूरा बैकग्राउंड वो तो डार्क में जाता है, ठीक है ना, और ऊपर की तरफ पूरा ब्राइटनेस है। और जो पर्सपेक्टिव का एंगल मुझे दिखाने में पर्पसली मैंने ये दिखाया कि गणेश जी ज्यादा बड़े हैं और वो असुर छोटे हैं जो अंधकार में चले गए हैं, ठीक है ना, और ऊपर गणेश जी बड़े दिखते हैं, मीन्स ह्यूज, क्या बोलते हैं, उनकी प्रतिमा बहुत ही बड़ी है बाकी सारे असुरों से, और उनका उन्होंने विनाश किया है। तो ये चीज मैंने दिखाने का इसमें प्रयास किया है। आई होप एवरीबॉडी लाइक्स इट। एंड मैं इसलिए मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ, अनिल जी को मैं धन्यवाद कहता हूँ। पिछली बार भी उन्होंने संकट मोचन में मुझे पूछा था, लेकिन मैं कुछ मेरे स्कूल के कामों की और दूसरे कामों की वजह से थोड़ा व्यस्त था, तो मुझे उस कैंप में नहीं पार्टिसिपेट कर पाया मैं। लेकिन इस बार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी और कन्नू जी और आप सभी ज्येष्ठ कलाकारों के साथ मैं जुड़ा रहा, मुझे बहुत ही आनंद मिला और इतनी बढ़िया इतनी सुंदर कलाकृति। तो ये अब मैं आमंत्रित करता हूँ अपने संतोष पेड़नेकर जी को कि वो अपने अनुभव हमारे साथ साझा करे। सभी को प्रणाम, स्पेशली कनु भाई और अनिल जी को सादर प्रणाम। आप लोगों ने मुझे इस कॉन्टेस्ट में आपने मुझे आमंत्रित किया, मुझे बहुत गर्व की बात है। एक्चुअली जब कनु भाई ने मुझे एक इस कॉन्टेस्ट में एक सब्जेक्ट दिया धूम्रवर्ण, तो पहले मुझे ऐसा लगा कि गणपति जो दिमाग में होते हैं वो एकदम कलरफुल, यानी जो नेचुरल कलर के होते हैं, धूम्रवर्ण यानी ग्रे कलर, तो मुझे ऐसा लगा अरे ग्रे कलर में पेंटिंग करनी है। तो थोड़ा सा मैं माउस था कि अरे सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में क्या काम करूं, लेकिन जब स्केचेस किए, उस सब्जेक्ट को जाना, नेट में से बहुत जानकारी प्राप्त की, तो बाद में अपने आप एक ऐसी ऊर्जा जैसी क्रिएट हो गई कि अरे मुझे गणपति के रूप से एक मैसेज देना है। क्योंकि वो जो सब्जेक्ट था उसमें गणपति जो ये अहंकार को नष्ट करने वाले एक ये थे, और उन्होंने वो जो पाश ये करके असुरों का नाश किया, तो उसमें ही एक प्रकार का एक पॉजिटिव ये था कि हम कुछ बुराई के नाश कर रहे हैं वाले हैं। और जब मैं जैसे जैसे और पहले वॉश दिया था वो ग्रे कलर का ही दिया था, तो बोला इससे मुझे आगे कलर करना है, और करते करते जैसे मैं आगे बढ़ते गया तो बाद में वो कलरफुल पेंटिंग बन गई, वो ग्रे कलर भी कलर लगने लगा, और मैंने जो ग्रे कलर यूज किया वो ब्लैक एंड वाइट मिक्स करके नहीं किया, मैंने तीन कलर का यानी टर्शियरी कलर को लेके ग्रे कलर बनाया, और ऐसे करते गया और एक पेंटिंग बन गई। जो करते टाइम मुझे एक्चुअल गणेश की पूजा कर रहा हूँ ऐसा अनुभव हुआ, और शायद आप सबको पसंद आई होगी, सभी बाकी कलाकारों को भी मिलके बहुत खुशी हो गई। अब मैं आमंत्रित करता हूँ किशोर नरखड़ी वाला जी को।
नमस्कार नमस्कार मैं अनिल जी और कनुज जी का सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ इस कैंप में मुझे इनवाइट किया। मुझे जो सब्जेक्ट दिया था गज वक्र करके था, लेकिन मैंने मेरी जो स्टाइल है कंटम। तो मैं अब आमंत्रित करता हूँ अपने विघ्नहर्ता कैंप के कलाकार अमित दाने जी को। सबसे पहले सबसे पहले कनु सर, अनिल सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये कैंप में आमंत्रित करने के लिए। काफी अच्छा लगा क्योंकि एक दो तीन सालों पहले जहांगीर आर्ट गैलरी में मैंने मेरा एग्जीबिशन किया था इंडिया डायरीज करके। हर साल में 10-15 दिन के लिए अलग अलग स्टेट में जाके वहाँ ऑन द स्पॉट पोर्ट्रेट लैंडस्केप्स ये करता हूँ, क्योंकि वहाँ का कल्चर समझने के लिए, वहाँ क्या खूबसूरती है वो समझने के लिए। तो ये काफी बड़ा कदम मुझे लगता है अनिल सर का कि अपने इंडियन आर्ट को, इंडियन सब्जेक्ट को बहुत आगे ले जाने के लिए। और ये काफी सुखद अनुभव मुझे रहा क्योंकि सभी कलाकारों के साथ मुझे काम करने के लिए एक अच्छा मौका मिला। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी इस कैंप में जो काम कर रही है। मैं मंजरी जी को अपनी भावना प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूं और इसके बाद मैं रामचंद्र जी को आमंत्रित करूंगा। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं अजीत का धन्यवाद करना चाहती हूं क्योंकि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था ये कॉन्सेप्ट के लिए। और उसके बाद मेरी अनिल जी से जब बात हो गई तो बार बार मैंने उनसे यही बात कही थी और मैं बार बार वो ग्रुप में भी दोहराती हूँ कि आप सबके सामने जो मुझे विषय दिया गया है वो बाल गणेश का है। तो मतलब मान लीजिए आपके सामने मैं बहुत बाल हुआ, आप लोग इतने माहिर हैं सारे कि मैं किसी भी तरह से आपका मुकाबला नहीं कर सकती। मैं एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ और ये मेरा शौक है, मैं शौकिया पेंटिंग करती हूँ, मैंने कभी कुछ सीखा नहीं है। तो आप लोगों से मुझे बहुत मतलब शर्म आती थी अपने आप पे। सच बात तो ये है कि मैं आप जैसे माहिर कलाकारों के सामने मैं इसीलिए मैं झिझकती थी अपने वीडियोस शेयर करने में भी क्योंकि मेरा हाथ कांपता था। लेकिन अनिल जी ने हमेशा हौसला अफजाई की और मुझे प्रेरित किया कि मैं काम करती रहूं। तो मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूं कि मैं आप सबको गुरु मानने लगी हूं। तो एक प्रेरणा सी मिली कि और सब्जेक्ट ही ऐसा था कि विघ्नहर्ता गणेश जी की, तो मैं भी बहुत उपासक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मंजरी। रामचंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने अनुभव साझा करें। या तो हम गणपति जी को यानी आर्ट की या कला की हम देवता मानते हैं, वो आराध्य देवता है। तो बचपन से भी हम सभी ने यानी मुझे नहीं लगता कि जो भी कलाकार है कि वो इस फॉर्म पे काम किया नहीं होगा, ऐसा कोई मिलेगा भी नहीं जो किसी भी विधा में काम करता हो चित्रकला के। तो वो अच्छा लगा कि आज मैं एक अलग तरह से इसी फॉर्म को मैं देख रहा हूँ क्योंकि मुझे सब्जेक्ट दिया था कृष्ण पिंगाक्ष करके। जब कोई सब्जेक्ट आता है तो ज्यादा क्रिएटिविटी की तरफ और हम अलग तरह से सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। थैंक यू और फिर से सबका धन्यवाद, आर्ट क्राफ्ट की पूरी टीम का धन्यवाद। थैंक यू। आमंत्रित करता हूँ अजीत राव जी से कि वो अपना इस कैंप के दौरान का अनुभव हमारे साथ साझा करें और हमारे साथ उनको कैसा लगा उसके बारे में हमें बताएं। नमस्ते जी सभी लोगों को। मैंने बहुत एंजॉय किया, स्पेशली जो व्हाट्सएप ग्रुप बना उसमें तो मैंने सभी कलाकारों को आर्ट बनाते हुए देखा और उसमें से कुछ तो जैसे सुमित्रा जी है, इतने बढ़िया इमोजीज आपने भेजे, यानी बहुत पसंद आए। और सभी कलाकारों ने यानी एक एक आर्ट जैसे उन्होंने बेसिक से डेवलप किया, कुछ लोगों ने स्केचेस चालू किए, कुछ लोगों ने डायरेक्ट पेंट से चालू किया, बट कंसेप्चुअली बहुत ही अच्छा था। यानी ये इतने छोटे, ये अभी ग्रुप छोटा है बट इनसे एसोसिएट होने के लिए भी मुझे बहुत
गर्व महसूस हो रहा है। और मैं एक चीज कहता हूँ कि आप तो इस चीज में बहुत ऑलरेडी बहुत ही साधना की है, बहुत साल लगाए, तो आपकी प्रशंसा करने का कोई हक नहीं बनता। बट मुझे लगता है कि जैसे तलवार में जंग और तपस्या में भंग नहीं होना चाहिए, आप लोग ऐसे ही काम करते रहे और आते आने वाले बहुत सारे कॉन्टेस्ट में भी हमें आपका पार्टिसिपेशन दिखे, और यानी जो कुछ भी हम कर पाएंगे वो डेफिनेटली हमारी तरफ से करते रहेंगे कंटिन्यूसली। और मैं बहुत खुश हूँ, और ये विघ्नहर्ता का जो ग्रुप भी बना है, तो जैसे ये छोटा ग्रुप अभी 15 लोगों का बना है, बट आगे जाते जाते और भी बड़ा बड़ा ग्रुप। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, आपने बहुत ही भावनापूर्ण बातें कही। मैं अनिल जी से विनती करूंगा कि वो अध्यक्षीय अपना प्रवचन करें, और साथ ही मैं अपनी कलाकृति, क्योंकि मैं फाइनल कलाकृति ग्रुप में नहीं रख पाया था, क्योंकि मेरा 2-3 दिन का दौरा कच्छ भुज में व्याख्यान करने के लिए गया था, तो वो वीडियो भी नहीं कर पाया। तो अनिल जी का जैसे ही व्याख्यान समाप्त होगा तो मैं अपनी कलाकृति सभी कलाकारों को एक साथ में दिखाऊंगा इसी कैमरा से, फिर ग्रुप में तो रखूंगा ही। अनिल जी आप अपना वक्तव्य शुरू करें, मैं लेके। सबसे पहले मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं दिल से, और स्पेशली अजीत जी से, बिकॉज कि एक आप सब लोगों ने अगर लक्ष्मी जी की आरती पढ़ी हो तो उसमें एक लाइन आता है कि सब संभव हो जाता जब मन नहीं घबराता, जब जहां तुम रहती हो। तो क्या होता है कि कोई लक्ष्मी जी का भी साथ होना बहुत जरूरी होता है किसी कलाकार के लिए और को सपोर्ट करने वाले के लिए। तो उस रूप में अजीत जी हमारे साथ आए थे कि आप फाइनेंशियली मैं सपोर्ट करता हूँ, तो उसके बाद क्या चीजें अपने आप धीरे धीरे करके सक्सेस हो जाती है। एक एक जो मैं हमेशा बहुत प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो ये किसी चीज को शिद्दत से चाहने से सब लोग दिल से चाहने लग जाते, ऐसा नहीं है, क्योंकि खास करके आपका इंटेंशन अगर सही हो, आपको किसी के साथ दिल में अगर अच्छा रखेंगे तो डेफिनेटली कोई बुरा नहीं कर सकता। अब बुरा करने के पहले 50 बार सोचेगा, हमने तो बुरा कभी किया ही नहीं किसी का। उस केस में अनिल कामले जी से, सब लोगों से, मंजरी से मेरी 2 बार बात हुई। हाँ मंजरी बहुत घबराई भी थी, बार बार मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज करती थी, सर मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा मंजरी आप कर लोगे, कोई बात नहीं है। आप अगर देखोगे मैंने एक शेयर किया ग्रुप में, मेरा बेटा है 8 ईयर्स का, उसने भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, एक और बच्चा है 4 साल का जिसने पार्टिसिपेट किया है, और इवन की 84 इयर्स की मदर हैं इनकी सुमित्रा जी की, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसलिए मैं बोलता हूँ 4 से लेकर 84 साल तक के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उसके अंदर में, और ये पहली बार होगा उस कॉन्टेस्ट में। ज्यूरी है सुमित्रा जी और पार्टिसिपेट है इनकी मदर, तो पहली बार शायद ऐसा होगा कि बेटी ज्यूरी है और मदर पार्टिसिपेशन कर रही है उसके अंदर में। So, thank you very much सबके लिए। हाँ, बिगिन का जब भी कोई क्लोजिंग सेरेमनी होता है, definitely it's a painful time to be separated, but separation is, this means not a separation actually. ये तो विराम है, ये तो विराम है, अर्धविराम कह सकते हैं, जो अपन छंद में भी कविता में भी अर्धविराम बोलते हैं, ये अर्धविराम है definitely। ये कैंप, ये आर्टिस्ट सब साथ रहेंगे, बिकॉज देखो अमित जी से मैं कभी मिला नहीं था, अमित जी का काम मेरे प्लेटफॉर्म पे फेसबुक के थ्रू देखा था, लेकिन सीरियसली एज वाइज भले अमित जी बाकी लोगों से बहुत लोगों से छोटे होंगे, लेकिन अमित का काम रियली बहुत अच्छा। अमित का काम, विजय आए नहीं इसमें, विजय गिल्ले जी का भी काम बहुत अच्छा है, विजय ने ज्वाइन नहीं किया अभी, पर विजय गिल्ले का काम बहुत अच्छा है। मतलब कुछ लोगों ने, एज इज नॉट ए कॉन्स्टेंट कि एज ज्यादा हो या कम हो उससे काम पे कोई फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। सुमित्रा जी ने जैसा कहा कि 3 साल से उन्होंने काम करना शुरू किया, ठीक है वो जानती होगी 25 सालों से 30 सालों से, बट एक्टिवली 3 साल से एज आर्टिस्ट काम करना शुरू किया। सो मंजरी डोंट बी डिसहार्टेड, आप अभी इस ग्रुप में शामिल भी हो, आप बहुत कुछ आगे सीखोगे आप, ठीक है। एंड अजीत जी का थैंक यू, अजीत जी ने मुझे फोन करके बोला था कि अनिल जी मंजरी को लेते हैं, तो मैंने कहा ठीक है लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जो कि क्या हुआ कि हम लोग स्टार्टिंग में 12 लोग थे, जो आपका नाम ऐड हुआ तो अनिल कामले जी और बहुत लोगों का नाम ऐड किया मैंने, और लोगों के कुछ लोग लाइन में है उनको भी ऐड करके 15 करते हैं इसको, तो 15 का ग्रुप अगले साल 25 का होगा, इसी तरह से बहुत आगे बढ़ेगा। So, thank you very much, सब लोगों को दिल से बहुत 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 धन्यवाद। सभी कलाकारों का मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से सिलेक्शन किया और आपने हामी भरी, तो सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और इस ऑनलाइन आर्ट कैंप विघ्नहर्ता का जो आज समापन समारोह हुआ है उसमें पधारे हुए गुरु जी संतोष, गुरु संतोष जी और रंगश्री, डॉक्टर रंगश्री जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और
इस कैंप को स्पॉन्सर करने के लिए अजीत जी का भी मैं आभार करता हूं, और आयोजन करने के लिए अनिल केजरीवाल जी का मैं आभार करता हूं।